वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। लेकिन उससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होप करते हैं इस वीडियो के बाद हमारे 130 की का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है जोनाथन एंड स्काउट को लेकर। तो जोनाथन ने उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे उन्होंने एक मॉन्टेज डाली थी, उन्होंने लिखा था 5 bullets आर इनफ एंड सबसे पहले वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद काफी लोग ये चीज बोल रहे थे कि उन्होंने स्काउट को टारगेट किया, तो स्काउट है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी तो वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लो। ये रूम का हाल है देखो गाइस, मतलब इतना अच्छी सफाई हो रखी थी सुबह सुबह, बट कोई ना, वी हैव द स्पाई। इस भाई के पास सारे रिकॉर्ड है, इस यहाँ से क्लिप निकालेंगे। तो वो बताता हो भाई ये सब हरकत कौन किया, रुको क्लिप्स मंगाने दो भाई। एंड इसके बाद उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट पे मैसेज डाला था जहाँ पे उन्होंने लिखा था एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जब वो लाइव स्ट्रीम पे आए थे तो उन्होंने इस चीज़ों के ऊपर रिप्लाई करा, ने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। मत करो स्क्वाड भाई, ये कॉन्ट्रोवर्सी हम लोग बहुत दूर है भाई, हम कुछ करते ही नहीं यार। मैंने पहले बोला था मैं हम कुछ किसको कुछ नहीं बोलते, एकदम लाइफ सॉर्टेड चल रही, स्मूथ चल रही। देखो ना आप इतने देर से देख रहे हो कि मैं किसको कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग किसको कुछ नहीं बोलते हो तो मैं भी किसी कुछ नहीं बोलता हूँ, सिंपल यार। वो स्टोरी यार सही में यार वो इसके लिए था भाई, किसी ने बीटी कर दी थी पूरे रूम की, हम लोग थे ही नहीं। बट हम लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमारे 75 days जो हार्ड है हम प्रॉपर स्ट्रीमिंग जो करते हैं वो करेंगे अच्छे से फुल पावर। अब तो हर चीज़ है यार सॉर्टेड, यूर आर सो टॉक्सिक दे हैव। हाँ यार भैंसो जिंदगी इतनी स्मूथ चल रही होती है, ठीक है स्ट्रीम कर रहे हैं, ई-स्पोर्ट सही चल रहा है, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ। उड़ता तीर ऊपर जा रहा है, ओए तीर जा रहा है तीर, क्या सीन है कल 9 बजे। एंड इसके बाद जो न्यू है जब वो लाइव स्ट्रीम पे आए थे तो वहाँ पे हमारे को क्रॉन्टन भी देखने को मिले थे जहाँ पे उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करी एंड काफी चीज उनकी चैट में चल रही थी तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, ने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। चैट में मत स्पैम करो गाइस, वो सब किसी का भी कुछ स्पैम मत करो चैट में। मत करो मॉड्स टाइम आउट दो। गाइस कोई दूसरे और का नाम मेरे चैट में और कोई दूसरे और के प्लेयर का नाम मत लिखो, किसी को अपने को अटेंशन नहीं देना है। वो लोग ऐसे भी पूरा बाकी और मतलब बाकी मतलब समझ, हिंदू होके बीफ मत खाना नियो भाई, पर हिंदू होके बीफ कौन ही खाता है, ऐसे भी अपन कट्टर हिंदू अपन बीफ वीफ नहीं करते। और जो हिंदुओं के बीफ खाते हैं उनकी गांड मारते हैं। हाँ गॉड बराबर ना, तू खाया कभी? गाइस मैं भी नहीं खाया कभी, चूतिए रहेंगे जो हिंदुओं के बीफ खाते हैं। जय श्री राम। बट ये बंदे ने अचानक ऐसा आउट ऑफ नोवेयर क्यों लिखा? बाकी लोग खाए उससे अपने को क्या, अपन नहीं खा सकते। लोग स्पैम कर रहे जो भी चीज तो मत करो, हम कंट्रोवर्सी से दूर हैं और किसी चीज का रिप्लाई नहीं देंगे। बस इतना बताएंगे कि जोनाथन ने जो भी चीज़ें करी वो इंटेंशनली नहीं थी। आप उसका प्योर आई थिंक इंस्टा स्क्रीन में दिखा नहीं ना वो कि सच में उसने 5 गोली में मारा, राइट ना? हाँ गाइज वो आपको दिखा नहीं है स्क्रीन में, चाहे तो मैं उसको ये करके बोल दूँगा। अभी वो थोड़ा लगा होगा कि टारगेट किया गया है, जो भी है ऐसा नहीं था, मतलब सच में गाइज देखो जो होता है हम सीधा बोल देते हैं कि ऐसा है। लगा भी कि यार हो सकता है कोई इसको गलत वे में ले, बट फिर भी पता नहीं, छोड़ो ना।
तो चिल करो, स्पैम मत करो, किसी को हेट देने की जरूरत नहीं गाइस। लव हार्ट स्पैम करो जिधर भी, हार्ट स्पैम करो, हाँ येलो हार्ट गाइस जिधर भी आप जाओ, जिधर भी ये सब सारी चीजें आपको दिखे, रुको अरे फ्रंट कैमरा ऑन करने देना, हाँ तो जिधर भी सारी चीजें दिखे ना आपको, तो जाके येलो हार्ट स्पैम करो, नो हेट, सब अपने भाई है, ठीक है, किसी ने किसी को टारगेट नहीं किया, सब जिधर भी जाओगे ओनली येलो हार्ट, ठीक है। एंड इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने रिप्लाई किया था नियोगी, काफी सारी बातों पे उन्होंने इस पे क्या बोला था वो भी आप लोग देख सकते हैं। अरे हाँ भाई मैं भूल गया था, मेरे को एक और चीज एड्रेस करना टॉपिक यार, एक्स वाई जेड आप लोग जो भी लोग लाइव आके, मैंने एक आध हाईलाइट देखी, कट्टर हिंदू वाला आई थिंक बहुत लोगों ने देखा होगा, बस मैं यही बोलूँगा भाई, मैं गाड़ी में बैठ के ये सब नहीं करता हूँ भाई, हम उस डिपार्टमेंट से ही नहीं है। सो भैया आप जो बोलते हो प्लीज़ आप सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपका जो ऐसा है ना रिकॉर्ड, ब्लैक कलर भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा, वो इतना गंदा रिकॉर्ड है, इतना डार्क रिकॉर्ड है कि भाई मतलब कभी सामने आ जाएगा तो तुम ये भी पॉसिबल ऐसा हो जाओगे। तो प्लीज़ ये लास्ट वार्निंग है मेरे एंड से, अगली बार जाके कभी भी मेरा नाम अपने मुँह से लियो मत, ठीक है, नहीं तो मैं फाइनली आके अपने हिसाब से चीज़ों को एड्रेस करूँगा, क्योंकि हम इस बार हम बदल चुके चीज़ों से, बहुत दूर जा चुके हैं, मेरे को इस बार उंगली करेगा, मैं चिट्ठा खोल दूंगा ऊपर से नीचे तक, पूरा चैप्टर क्लोज कर दूंगा एक साथ, कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नो कर देते यार, छोड़ो यार छोड़ो, कोई ना साला गाली हम ही खाते हैं, आदमी गलत भी हम होते हैं, सामने वाला गाली देकर निकल भी जाता है, अपन चूते से एक्सेप्ट करके आगे जाते हैं। इस बार ना भैया, हम ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे, उंगली करोगे खत्म कर दूंगा एक साथ सब चीज बता के, याद रखना न्यूक्लियर वेपन अभी पड़ा है, बहुत बड़ा बम है, तो वही चीज है, मैं बोलूंगा भाई इस बार मैं ना इतना नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब नहीं दुनिया से, लेजिट बस वही है, मेरे बारे में बात करना बंद कर दो, अपने लाइफ में फोकस रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, बट इस बार आप लोग एक वर्ड भी बोलोगे मैं पूरी किताब खोल दूंगा सब, तो मजाक से हट के आपके ही फैन बेस कभी भी आपको लाइफ में डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज का डिफेंस ही नहीं है, ऐसे चीज को डिफेंड करो जो डिफेंड हो पाए, ऐसा चीज जब बाहर आ जाएगा कभी डिफेंड नहीं हो सकता, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि ऐसी कोई चीज को डिफेंड करना, समझिए आप, ठीक है, धन्यवाद, ये मेरा आपके लिए बहुत प्यार मोहब्बत सा अच्छा सा एक सजेशन था, अभी भी नहीं मानना है तो करो। तो इस पे क्या व्यूज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो लेट्स ग्रो उन्होंने एक ट्वीट डाला था जहाँ पे उन्होंने लिखा था जो उनके सोर्सेज है, उन्होंने ये चीज बताई है कि जो एक्स टीम सोल है वो प्लान कर चुकी थी कि टीम सोल के साथ उनको कंटिन्यू नहीं करना है बीएमपीएस के बाद में, उनको बेटर ऑफर मिल गया था, उन्होंने ये चीज भी बताई थी कि ये चीज स्काईएन अप थ्रस्ट के लैन इवेंट में ही फाइनल हो गई थी। एंड इसके बाद जो ओमेगा है उन्होंने इस चीज के ऊपर रिप्लाई करा जहाँ पे उन्होंने लिखा था लेके आओ अपने सोर्सेज को सामने एंड प्रूफ करो, कुछ भी फेक न्यूज डालने से पहले सोच लिया करो कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड ये जो लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छा रहेगा कि अपनी टीम पे ध्यान दो, हम कंट्रोवर्सी में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी नेवर लेफ्ट फॉर मनी, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो थक है जब वो लाइव आए थे तो उन्होंने भी इस टॉपिक के ऊपर बात करी थी, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। हाँ देखा मैं, पता नहीं यार, देखो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, बट वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से कि उन लोग पैसों के लिए तो नहीं छोड़ के जाएंगे हमें, दे आर नॉट दोस टाइप ऑफ पीपल, दिस इज़ वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से अबाउट माई फाइव बॉयज, पैसा वॉज नॉट द थिंग, यस, बाकी जो बात है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट यार मूव ऑन करो यार गाइज, हो गया, सबको शांति है, जीने दो, आई बिलीव उनको भी जीने दो यार, मतलब दे आर प्लेयर्स, आई थिंक चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज किए ठीक है, हम भी चेंज कर लिए ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म, वो अपने में खुश, हम अपने में खुश है, इतना लोड क्यों लेना आप लोग को।
एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो ESL है उनका टूर्नामेंट चल रहा है एंड इनसे रिलेटेड हमारे को एक इशू देखने को मिला था। तो आप लोगों को भी पता ही है कि जब हमारे को इनवाइटेड टीम्स की लिस्ट देखने को मिली थी तो वहाँ पे जो साइक है उनको इनवाइट नहीं दिया गया था। एंड इसके ऊपर जो रावण है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ऑफिशियल की अचीवमेंट होने के बाद भी जो उनको स्लॉट नहीं दिया गया है। एंड ने ये चीज़ भी बोली थी कि जब इवेंट अनाउंस हुआ था 9 दिसंबर को तब से ही हम ट्राई कर रहे हैं मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन उनका सेम रिप्लाई आ रहा है कि अभी कोई अपडेट नहीं है। 64 टीम्स को इन्वाइट किया गया है लेकिन उनको इन्वाइट नहीं मिला है। एंड साथ में उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी वो किसी को हेट नहीं दे रही है, साथ में उन्होंने बताया था कि जो प्लेयर्स हैं वो काफी हार्ड वर्क वगैरह कर रहे हैं इसके बाद वो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड इसको इग्नोर करना इजी नहीं है क्योंकि यार काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है प्लेयर्स के बीच में। एंड इसके बाद उन्होंने बोला था कि काफी मिसमैनेजमेंट हुई है उनकी साइड से एंड इसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। एंड साथ में उन्होंने लिखा था कि नंबर्स पर फोकस करना चाहिए। एंड इसके बाद जो स्ट्राइकर है उन्होंने भी इस चीज के ऊपर रिप्लाई किया था जहां पे उन्होंने बताया था कि पहले उन्होंने ये चीज बोली थी कि सेमीज में उनको स्लॉट मिलने वाला है, इसके बाद उन्होंने मना कर दिया है। BMPS की फाइनलिस्ट अचीवमेंट मैटर नहीं करती है, टॉप 64 टीम्स में वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो एस ब्लैक है उन्होंने भी कुछ स्टोरी लगाई थी जहां पे उन्होंने ओवेज एंड स्काउट को मेंशन किया था, जहां पे उन्होंने ओवेज के लिए लिखा था कि आप लोगों को लगता है कि ये चीज फेयर है कि आपको स्लॉट मिल गया है टीम फॉरएवर के नाम पे, जहां पे उन्होंने स्काउट को मेंशन करते हुए भी लिखा था कि जो TX है साथ में जो टीम जीरो है उन दोनों को स्लॉट मिल गया है। स्टोरी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी चीज से रिलेटेड काफी लोग जो स्काउट है उनसे चैट में लिख रहे थे तो इस पर उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। स्लॉट प्रॉब्लम बिकॉज़ टीम साइक प्लेयर्स वेयर टैगिंग यू बिकॉज़ यू डिजर्वड एंड दे इवन मेंशनड यू इन द स्टोरी। आई जस्ट टेक्स्ट मैंने उनको टेक्स्ट डाला था। सो इनवाइट्स एंड स्लॉट्स मेरे को नो आइडिया, बट इतना मैं बोलता हूँ कि ये जो टीम जीरो में जो रोस्टर थे अगर आप इनकी अचीवमेंट पूछते हो देवर #4 इन BMPS, देवर टीम GE, डार्क लॉर्ड, सैयद, शैडो, नूब, निंजा बॉय, मावी। यहाँ पे नूब ने खेलना छोड़ दिया, वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, निंजा बॉय जी में है अब ये तीन, तो दैट्स द अचीवमेंट। उस मैं इसमें को इतना बताया BGMS जो लाइन हुआ था देखे हम फोर्थ है। इसके बाद आप लोगों ने अगर ब्लेज की स्टोरी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने एक वॉल की स्टोरी डाली थी जहाँ पे लिखा हुआ था V4 Victory। एंड इसके बाद अगर आप लोग वाइटलिटी के कुछ पोस्ट वगैरह देखोगे तो वहाँ पे हमारे को जो हैशटैग है वो देखने को मिला था V4 Victory नाम से, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इससे यार काफी लोग ये चीज गेस कर रहे हैं कि वो वाइटलिटी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे को वाइटलिटी में जाते हुए दिखाई देंगे, उनके साथ कौन जाने वाला है, ये सब आप लोग अपनी गेसेस जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।